चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लालादव निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन करते ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की काफी लहर है, क्योंकि इससे पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही मनोज तिवारी बीजेपी में गए थे और धीरे धीरे उनका कद बीजेपी में बहुत ही बढ़ता चला गया और वो आज दिल्ली प्रदेश के सांसद के साथ साथ दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी बन चुके हैं। इसी कड़ी में निरहुआ ने भी इस कदम को आगे बढ़ाया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से सभी लोग अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीजेपी ज्वाइन करने पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए। जी हां, सुपरस्टार पवन सिंह के फेसबुक अकाउंट से दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीजेपी ज्वाइन करने पर एक फोटो शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है, निरहुआ भैया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको बता दें कि एक साल पहले भी सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनको भी काफी तारीफ मिलती रहती है। यानी कि निरहुआ इस चुनाव इलेक्शन में मोदी का जम के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि निरहुआ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से शपथ लिया है। जी हां, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ निरहुआ ने अपनी टीम के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया। अब देखना यह है कि निरहुआ के बीजेपी ज्वाइन करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को उनके लोकप्रियता का सफलता मिलेगी, यह तो आने वाले चुनाव में कन्फर्म होगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि निरहुआ अब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खबर तो यह भी आ रही है कि निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है कि निरहुआ आजमगढ़ के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।